भाई वो सही चीज है यार, कितना खतरनाक लग रहा है भाई। ओ तेरी ओ तेरी, देख रहे हो ना गाइस, चलो मैं ये हटा देता हूँ। अब देखो गाइस, वो बोलता है ये तो, ये देखो गाइस क्या बात है, और गोली भी मारता है आंखियों से भाई, क्या बात है। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू आर्क एक्सटेंशन एंड मिथिकल क्रीचर्स गाइस। तो गाइस आज हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ गाइस। एक तो ये हमारे भाई दो बहुत ही जाइगेंटिक मतलब बोले तो डायनोज हैं, और इसके अलावा गाइस हम आज बहुत तूफानी कुछ करने वाले हैं, समझ रहे हो ना गाइस, एकदम तूफानी कुछ करने वाले हैं। तो आज का सीन क्या है गाइस, आज मैंने एक ड्रैगन देखा है, वो भी बॉस ड्रैगन देखा है। मतलब देखा तो मैंने उसे बहुत पहले भी था, मतलब एक एपिसोड पहले देखा था, बट मैं उसे ना तो टेम कर पा रहा था ना उसे मार पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेवल का था। एक छोटे से कम लेवल का एक बंदा देखा है मेरे को, मे भी शायद हम उसे मार गिराए, या मे भी हो सकता है कि हम भी मर जाए, डोंट एक्चुअली नो। तो हाँ गाइस, आज मतलब मेरे सबसे 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 टफ बॉस से एक नीचे वाला बॉस ही होगा, आई डोंट नो कि कौन सा है, बट हाँ ये समझ लो आप, सबसे ज्यादा टफ बॉस ही समझ लो आप उसे। तो आज हम गाइस उससे फाइट करने वाले हैं, आई डोंट नो कि हम जीतते हैं हारते हैं, जो भी सीन होगा गाइस देखते हैं, वहां चल के ही पता चलेगा। और हाँ गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। और हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो जो बेल वाला आइकन है ना उसे जरूर दबाओ, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे गाइस। तो चलो गाइस फिर चलते हैं, मैं मेंटीकोर से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये अभी ट्रेन नहीं हुआ है, मतलब इसकी लेवल अभी हम आप नहीं कर पाए, तो मैं इसी से जा रहा हूँ। और इससे जाने का एक रीजन भी है कि मैं इसे खोने का रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास पुराना हो गया, बट मेंटीकोर हमने लास्ट एपिसोड में ही टेम किया, तो आई डोंट थिंक कि हमें उसे खो देना चाहिए, लाइक समझ रहे हो ना। तो चलो चलते हैं। देखो गाइस, एक तो ये रहा, अगर आपको दिखा पा रहा हूँ मैं, तो इस बंदे की हेल्थ तो बहुत ज्यादा है, मैं इसे तो डेफिनेटली नहीं हराने वाला, और ना हरा पाऊंगा मैं इसे। यार क्यों करना है इसे यार, पता नहीं यार क्या सीन है इसका यार, मैं क्यों कैसे कर सकता हूँ इसको, आई हैव एक्चुअली नो आइडिया, पता नहीं यार इसका क्या सीन है। वैसे तो अगर मैंने इसे थोड़ा भी छेड़ा तो हमारी पेटी बन जाएगी, इसको हम यही छोड़ देते हैं। एक और ड्रैगन है मेरे पास, मैं उसको देखता हूँ पहले। तो गाइस देखो, मुझे एक और मिला है यहाँ पर, ये थोड़े कम लेवल का है और इसकी हेल्थ थोड़ी कम है, मतलब देखा जाए तो 4000 बिलियन है, इतनी शायद हम कम कर सकते हैं, आई डोंट नो कि हम कम कर पाएंगे कि नहीं, बट चलो ठीक है एक बार ट्राई करते हैं गाइस। तो मैं इससे लड़ाई करने वाला हूँ, और आप इसे एक बार देख लो अच्छे से, आई डोंट नो, चलो देखते हैं भाई जो भी होगा। तो गाइस जैसा कि आपने देखा यार, कितना ज्यादा टाइम लग गया मुझे इसे मारने में, लेकिन मजा आ गया गाइस। और मैंने इस बार अपने सारे वो जो हाइड कर लिए थे यूआई, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि अगर मैंने यूआई चालू किए तो भाई बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो मैं तो यहाँ से चलता हूँ, और हम चलते हैं सीधे अब बेस पर, मुझे जो भी कुछ मिला है मैं वहीं जाकर चेक करूंगा। तो गाइस हम आ गए अपने बेस पर, यहाँ पर मैं यूआई चालू करने वाला हूँ। भाई बहुत खतरनाक, आप सामने देख रहे हो ना कितने भयानक डैमेज दिए मैंने वहां पर, अरे भाई बहुत गलत, मेरा पूरा गेम लैग कर गया बहुत गंदे तरीके से, लेकिन चलो चलो फाइनली मतलब चला पा रहे हैं, चलो ठीक ही है एक टाइप से। बहुत गंदा लैग हुआ यार, शिट, ये तो उड़ता ही है, हर बार का ही है इसका। भाई तू उड़, तू उड़, तेरे को जिधर उड़ना है उड़। मैं जरा अपने पास देता हूँ गाइस, हमें से क्या क्या मिला, कुछ तो अच्छा मिला होगा ना एटलीस्ट। यार कुछ भी अच्छा नहीं मिला गाइस, यार ये क्या चीज होती है यार, मैं इतने इतने बढ़िया डायनोस को मारा, लाइक कुछ भी नहीं मिला ही नहीं कुछ यार, लाइक ये गलत चीज है भाई, कुछ तो अच्छा देना चाहिए था ना इनको, इसने इसमें तो कुछ नहीं दिया, आई थिंक डायनो को कुछ दिया हो, मतलब मे भी शायद इसको दे दिया हो। ओ भाई कहाँ जा रहे हो तुम, देखो भाई कहाँ जाके बैठा है, कतई नूब है ये, कहाँ जाके बैठा है भाई, मैं तो उसे ढूंढ ही नहीं पाता। चलो इसके पास कुछ है क्या, इसके पास नहीं 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 कुछ खास इसके पास भी नहीं है यार, ये क्या सीन है। अरे इसके पास है, इसके इसने हाँ इसने इसने एक्चुअली कुछ कुछ चीजें हाँ इसको मिली है गाइस, ओके फाइन, तो इसको मिली है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर मैं इस पर बैठ जाता हूँ, और हम क्या करते हैं,
हम यहाँ पर इसके जो भी आइटम है ना इनको कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है इसको कर लो भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मुझे ये सब अपने पास लेने पड़ेंगे आई थिंक, शायद यही कुछ सीन होगा इसका। इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। ओ भाई ये देख रहे हो कितनी सारी बॉल मिली है यार, बहुत सही चीजें मिल गई यार, बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया है। ये कार भी है, चलो इस कार को भी हम अभी बनाएंगे, इसका भी देखते हैं गाइस क्या सीन है। तो इसको भी कंज्यूम करो, एक डोडो रेक्स भी मिला मुझे, इससे बहुत कुछ मिला है गाइस। लेकिन यार मैं पता नहीं ये मेरा सही से काम नहीं कर रहा है यार पीसी, पता नहीं क्या हो गया इसको। चलो मैंने बहुत कुछ तो बना ही लिया है एक टाइप से देखा जाए तो। और कुछ रह गया क्या यहाँ पर, इसके पास और कुछ है क्या? हाँ एक ये कार और है, चलो कार हम रख लेते हैं अपने में और इसको देखते हैं। बाकी इसके पास बॉल वगैरह भी बहुत कुछ है तो मैं इसी के पास रहने देता हूँ अभी हाल फिलहाल। हट जा यार, तो भाई बहुत सारा आइटम है, मैं इसको एक काम करता हूँ यहाँ पर। ओके दैट्स एक्चुअली नाइस। अब मुझे यहाँ ये देखना है कि यहाँ पर कितने सारे क्रीचर्स आए हुए हैं, मुझे देखना है भाई। देखो एक तो ये है, ये उड़ने वाला, ये भाई बहुत ही खतरनाक चीज लगती है मुझे ये। अच्छा ये ब्लेज मुझे लगता है इसे नहीं किया होगा वहां पर बिजली वाला सिस्टम पर। ये देखो गाइस ये क्या चीज है भाई, क्या क्या चीजें मिली है मैं इससे, ये क्या है, ये क्या चीज है मुझे देखने दो एक बार। अरे भाई ये तो बहुत सही चीज लग रही है, चीता है, खतरनाक चीता है भाई। अच्छा इसकी पावर्स क्या है? अच्छा फायर वाली है और सी से और एक्स से, ठीक है मतलब ठीक ही है गाइस, अच्छी पावर है। चलो इसकी देखते हैं भाई इसकी क्या पावर है, ये क्या चीज है भाई, वो सही चीज है यार, सही है वो भाई, वो सही चीज है यार, कितना खतरनाक लग रहा है भाई। ओ तेरी देख रहे हो ना गाइस, चलो मैं ये हटा देता हूँ। अब देखो गाइस तो तेरी भाई ये बंदर तो बहुत ही ओपी चीज लग रही है यार, गोले भी निकालना है, सही है यार मतलब। हाँ एक्चुअली ये तो बहुत सही चीज है इसमें, इसमें गाइस एक्चुअली ड्रैगन को हराने पर मैं बाकी में काफी अच्छी चीजें मिली है, ये एक सुअर मिला है मतलब। हाँ बोले तो ठीक है। अब वो भाई कहाँ जा रहे हो? वो भाई उड़ गया ये तो, वो तसल्ली भाई, इसको मुझे यूज करने का कोई मन नहीं है, मतलब लाइक क्या ही करेगा, पर लग बहुत अच्छा रहा है भाई टोपी ओपी लगा के। वो बोलता है ये तो, ये देखो गाइस क्या बात है, और गोली भी मारता है आंखियों से भाई, क्या बात है। ओ भाई ये तो बोलता बोलने वाला सुअर है भाई, ये सही चीज लग रही है यार, कुछ कुछ अलग चीजें मिली है इसमें, इस बार मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। एक ओ भाई रैप्टर भी मिला है हमें, ओ रैप्टर रैप्टर, ओ भाई सही चीज है यार रैप्टर तो। सी से कुछ, एक्स से कुछ, ये कुछ ज्यादा नहीं है बट बायो ने कहना तो अच्छा। ओ भाई जंप देख रहे हो उसकी, अलग ही है भाई, अलग ही है भाई, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, बहुत मजा आ गया। चलो हम वन बाय वन अपने सारे ट्राई कर लेते हैं। ये क्या चीज है, डोडो रेक्स है, पहले मैं इस डोडो रेक्स को भी ट्राई कर लेता हूँ, ये क्या चीज़ है और क्या करता है लाइक, तो पता चलता रहता है। थोड़ा सा दूर चलते हैं यहाँ से और यहाँ पर हम इसे ट्राई करते हैं, ये क्या चीज़ है। ओ भाई इसकी आंखें तो बड़ी चमकदार है यार। चलो ये मतलब बाइट अटैक है और फायर अटैक है और सी से, पता नहीं कुछ तो कर रहा है जीप सा पर समझ में नहीं आया मुझे, पता नहीं कुछ तो भी होगा गाइस, आई डोंट नो। और ये क्या चीज है, ये मेरे हिसाब से रैक्स होना चाहिए। हाँ ये भाई रैक्स है 100%, हाँ ये रैक्स है। अबे ये क्या है, ये दो रैक्स है क्या यहाँ पर, ये क्या चीज रह गई यहाँ पर, अजीब है ये। और इस रैक्स के पास भाई पत्थर का बना हुआ रैक्स है क्या ये, लाइक हाँ भाई कितना सही लग रहा है ना ये देखने में। अच्छा ये बाइट अटैक है और लेजर अटैक है, इसके मुंह में से एक अजीब से लेजर निकलते हैं और सी से, सही है यार सी से। चलो इतना और कुछ नहीं है खास इसका, ओके दैट्स एक्चुअली नाइस। और भाई ये क्या चीज है यहाँ पर, ये क्या चीज है, ये मुझे दिख नहीं रही है या है ही नहीं। ओ भाई है मिथिकल बायोनिक रैक्स, ओके ये रैक्स है जो कि गायब है, That's kind of weird thing. ये दिख ही नहीं रहा है मुझे,
लाइक कैसे? ओके भाई ये वही वाला रेक्स है, बट एक रेक्स दिख रहा है, एक रेक्स ग्लिच हो गया है, या शायद ये इनविजिबल वाला है यार, मुझे नहीं पता गाइस। जो भी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना जिसको भी ये समझ में आया हो, लाइक हाँ। और अब हमारे पास एक लास्ट सिर्फ यही क्रीचर बचा है, और ये मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं होगा, आई थिंक ऐसा मुझे लगता है ये कुछ खास नहीं है। और ये क्या है? फिनिक्स जैसा ही है, और वो करंट फेंकता है क्या ये? हाँ हाँ करंट टाइप फेंकता है, सी से कुछ कर जाएंगे। ओ भाई ये गोला, अरे बहुत सही चीज है यार। अच्छा ये भी वो फेंकता है तलवार, चलो अच्छा है गाइस। इसके पास तो बहुत सारे अटैक है, ठीक है इसको हम कुछ भी समझ सकते हैं, एज अ कुछ भी समझ लो। इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं इतनी ऊपर, यहाँ से हम कून जाते हैं, इसको यहीं रहने दो, क्योंकि ये वैसे भी लैंड तो करता है नहीं, तो लाइक ऊपर ही रहने दो इसको, क्यों ही जगह घेरे भाई। इसके ऊपर से अलग ही धुआं हुआ निकल रहा है भाई, ये क्या सिगरेट विगरेट पी रहा है क्या भाई, क्या सीन क्या है इसके, समझने तो दो मेरे को। ओ हाँ भाई ये तो सिगरेट पी रहा है, देख रहे हो आप, सिगरेट है हुक्का है क्या है भाई, कुछ तो लगाया ये मुंह पे, सही चीज है भाई, ये बंदा बहुत खतरनाक है। और इसके अलावा तो मुझे लगता है कोई नहीं मिला था, एक ग्रिफिन जरूर मिला था, वो पता नहीं कहाँ दूर जाके, हाँ ये देखो ये यहाँ पर इतनी दूर जाकर खड़ा हो गया, इसके अपने ही कुछ सीन है, ये आर्म ग्रिफिन है। मेरे को तो इसकी अब जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छा ग्रिफिन है, मिल गया है तो क्या दिक्कत है गाइस। लाइक बहुत मजा आएगा इस, आज हमने बॉस फाइट ली, मेरे सबसे सबसे तगड़े बॉस फाइट थी वो, सबसे तगड़े ही बॉस फाइट बोलेंगे उसको। और आज हमने उससे भाई इतने सारे क्रीचर मतलब पकड़ लिए टाइप से देखा जाए तो। और मुझे तो ये बंदा बहुत अच्छा लगा गाइस, जिसको ये बंदा अच्छा लगा ना प्लीज कमेंट में जरूर लिखना। इसका नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसका नाम तो भाई कुछ नहीं है, एमसी पिग है, मैक पिग पता नहीं जो भी बोलते हैं ऐसे, आई डोंट नो। और वो भाई उड़ता भी है, ये उचकता है उड़ता है समझ नहीं आता, बट बहुत ऊंचा उड़ता है यार, इसको फॉल डैमेज भी नहीं पड़ता, सही चीज है यार, बहुत सही चीज है। वॉट सो इच्छा ऐसा कुछ बोल रहा है ये। और ये बॉम्ब के गोले भी निकालता है, ये क्या कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, कुछ तो इसके अलग अलग से सीन है, बट ये बहुत स्लो है। मुझे ना गाइस इसके भाई शेडल बनाना पड़ेगा यार, इसका शेडल का मुझे कुछ देखना पड़ेगा, तभी हम इस पर बैठ सकते हैं। तो ये बोरेंटो भी भाई बहुत खतरनाक लगता है मुझे, इसके भी कुछ अच्छे अच्छे पावर्स होंगे, आई डोंट नो एक्चुअली, बट चलो गाइस कोई बात नहीं, नेक्स्ट एपिसोड तक हम इसकी भी शेडल बना लेंगे। और मेरे हिसाब से बस एक बॉस और रह गया गाइस, तो एक लास्ट बॉस और है, फिर इसके सारे बॉसेस कंप्लीट हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो हाँ एक टाइप से ये अधूरी तो नहीं होगी, मतलब एक टाइप से पूरी हो चुकी होगी ये सीरीज, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग सारे अच्छे अच्छे डायनोस हैं। तो मैं जल्दी फिर प्राइमल फियर की भी स्टार्ट करने वाला हूँ सीजन 2। तो हाँ गाइस आप बने रहिए, बहुत मजेदार होने वाली है सेकंड वाली सीरीज, मैं 3 एपिसोड से आपसे लगातार बोल रहा हूँ, क्योंकि हाँ तो सीरियसली कुछ बहुत धांसू लाने वाला हूँ इस बार आर्क प्राइमल फियर में गाइस। तो हाँ गाइस मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस आप करते रहिए वीडियो को एंजॉय।